सो हेलो गाइस, आपका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुवैत खबर YouTube चैनल पे। तो साथियों, आज की वीडियो में कुवैत से सबसे पहली जो खबर आ रही है, बहुत ही अच्छी खबर है। यदि आप लोग अभी अमेरिका वगैरह ट्रैवल करने वाले हो तो अमेरिकन कॉन्टेस्ट की तरफ से दोस्तों कुवैत से निकाला गया है, जिसका नाम दिया गया है ट्रैवल गोए कॉन्टेस्ट। इसमें आप साथी बता दूं आपको कि 50 कुवैती दिनार तक का वाउचर आप जीत सकते हो। सेकंड प्राइज दोस्तों 40 कुवैती दिनार का वाउचर है। थर्ड प्राइज में 30 कुवैती दिनार का दोस्तों वाउचर है। वीडियो क्वेश्चन पे दोस्तों फोटो भी आपको मैं शो कर रहा हूं, इससे पूरी जानकारी दोस्तों आप ले सकते हो। साथियों, अमेरिकन टूरिज्म की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया, यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप अभी कुवैत से यूएसए के लिए आप ट्रैवल करते हो तो उसमें आपको छूट मिल सकता है 50 कुवैती दिनार, 40 कुवैती दिनार या 30 कुवैती दिनार। दोस्तों ये किस्मत पे आपका डिपेंड करेगा, तो जो भी लकी विनर होंगे 50 कुवैती दिनार, 40 कुवैती दिनार, 30 कुवैती दिनार तक का दोस्तों उनको वाउचर वहां पे मिल सकता है। तो जो भी आप लोग अभी अमेरिका वगैरह ट्रैवल करने वाले हो तो अमेरिकन टूरिज्म के तहत यदि आप लोग टिकट वगैरह को कटाते हो तो इससे दोस्तों ये फायदा आपको मिलने वाला है। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही साथियों वो आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री कमर्शियल कंट्रोल डिपार्टमेंट के तरफ से आ रही है। उनके तरफ से दोस्तों एक बहुत ही बड़ी कैंपेन चलाई गई थी। कैंपेन के दौरान वहां पे दो ब्यूटी सैलून को वहां पे क्लोज किया गया। अब साथियों, ब्यूटी सैलून वहां पे क्लोज इसलिए किया गया क्योंकि वहां पे सैलून में कुछ इलीगल एक्टिविटी दोस्तों हो रही थी। जैसे कि साथियों साथियों सैलून को जो बंद किया गया, इसके पीछे दोस्तों बहुत सारे वजहें थी। क्योंकि जो पहला दोस्तों छापेमारी की गई वो सलमिया एरिया में दोस्तों छापेमारी की गई। सलमिया एरिया में दोस्तों छापेमारी करने का दोस्तों रीजन ये था कि वो सैलून में घुसने के बाद जब वहां पे निरीक्षण अभियान वाले जब वहां पे घुसे तो जब चेकिंग किया गया तो मालूम चला बहुत सारे कॉस्मेटिक का सामान, क्रीम वगैरह, पाउडर वगैरह जो लोगों को इस्तेमाल के लिए वहां पे दिया जाता है, यानी सलून में जो इस्तेमाल किया जाता है लोगों को मेकअप वगैरह करने के लिए, कि अभी जो भी चीज़ लोग करवाने जाते हैं वहाँ पे वो क्या करते थे, एक्सपायरी डेट का वो सामान को इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके वजह से वहाँ पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई थी स्किन में, जिसके बाद कंप्लेन हुआ था। और कंप्लेन के बाद वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा वहाँ पे छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान ही दोस्तों उन लोगों को वहाँ पे पकड़ा गया है। तो साथ ही यदि पूरी खबर को आप पढ़ना चाहते हो तो अरब टाइम्स को ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप पढ़ सकते हो। वैसे वीडियो के स्क्रीन पे दोस्तों मैं आपको शो कर रहा हूं, यहां से भी आप पढ़ सकते हो, मैं आपको शो भी इसमें कर दे रहा हूं। अब चलते दोस्तों अगली खबर की ओर। अगली खबर दोस्तों हमारे साथियों, 16 साल के एक ओल्ड कुवैती जोनल को वहां पे रेप एंड किलिंग फिलिपिनो वर्कर, यानी दोस्तों खबर निकल कर ये आ रही है क्रिमिनल कोर्ट के तरफ से 16 ईयर ओल्ड कुवैती को वहां पे जेल की सजा सुनाई गई है। क्योंकि उसके घर में एक फिलिपिन वर्कर थी जो उसके यहाँ काम करती थी और उसके साथ वो रेप किया था और उसका वो हत्या किया था। दोस्तों जो कुवैती था वो एक 16 साल का मान के चले कि जवान लड़का था। दोस्तों खबर को पूरी तरह से यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। वो 16 साल का दोस्तों वो जवान लड़का था जो उसके घर में फिलिपिनी जो डोमेस्टिक वर्कर होती हैं वो उसके घर में काम करती थी। अब दोस्तों अब ऐसा क्यों किया नहीं किया इसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ। तो उसके साथ वो रेप भी किया था, रेप करने के साथ साथ उनका हत्या भी कर दी थी, जिसके वजह से उसको उसके शक के बिना पे उसे गिरफ्तार किया गया था। फाइनली दोस्तों उस पर केस जो है उसका जुर्म जो है साबित हुआ और फाइनली उसको वहां पे जेल की सजा दोस्तों वहां पे सुनाई गई। क्योंकि साथ में उसकी उम्र सिर्फ 16 साल है इसलिए फांसी की सजा नहीं दी गई है। अब दोस्तों वो कितने साल तक जेल में रहेगा ये फिलहाल अभी कोर्ट को तय करना है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही साथियों, ये भी बहुत ही बड़ी खबर है, ये भी कोर्ट से खबर दोस्तों आ रही है। खबर दोस्तों ये है कि एक्सपर्ट मॉम, एक दोस्तों प्रवासी महिला थी जो अब उसके बेटे पे मारने की दोस्तों हत्या उस पर लगा था। तो फिलहाल दोस्तों उस पर जब छानबीन की गई और उससे जब पूछताछ किया गया तो फाइनली प्रवासी महिला जो है वो कन्फेस कर ली है, यानी वो कबूल कर ली है कि हाँ हमने ही अपने बेटे की हत्या की थी। अब दोस्तों ऐसा क्यों कि इसके बारे में तो कोई खास डिटेल फिलहाल अभी नहीं है, पर उस महिला ने अपने आप को स्वीकार लिया है कि उन्होंने ही अपने बेटे की हत्या की। तो दोस्तों ये कुछ खबरें थी, अपडेट्स थी जो कि कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।